ओके okay, नमस्कार आदाब सताल मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का इस सेशन में उम्मीद करता हूं आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे मंडे से फ्राइडे आपके लिए होती है बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास एंड इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ डेली बेसिस पर और डेफिनेटली आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर हो जाएगा बैंकिंग अवेयरनेस का इसी यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड हिट कर दीजिएगा बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे थोड़ा सा मेरा शर्ट हर फर दिख रहा होगा आपको ठीक है नो आइडिया no थोड़ा सा आई थिंक कोई स्क्रीन का इफेक्ट है सो uh, so, चलिए कोई बात नहीं बियर कीजिएगा इसके साथ एंड स्टार्ट uh, करते हैं सेशन को आज का टॉपिक हमारा जो है वो है रिलेटेड टू बैंक गारंटी ओके बैंक गारंटी कल हमने देखा था लोन्स एडवांसेस के बारे में कैश क्रेडिट के बारे में हमने सब कुछ एक एक चीज हमने जान ली थी एक एक चीज समझ ली थी और टर्म uh, लोन क्या होता है ओवरड्राफ्ट क्या होता है क्या होता है सब में डिफरेंस आज एक नया टॉपिक हम पढ़ते हैं और जो कि है रिलेटेड टू दी बैंक गारंटी बैंक गारंटी को हम शॉर्ट में बीजी के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में हम बीजी जब बैंक में जाओगे जब जॉब लग जाओगे तो आप बीजी बोलोगे बार बार, बार बैंक गारंटी वर्ड नहीं यूज़ करोगे तो बीजी आखिरकार क्या होती है बैंक गारंटी आखिरकार क्या होती है और किस परपज से यूज की जाती है यही हमारा आज का टॉपिक है और अगर आप हमारे पीडीएफ कोर्स को एनरोल चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा क्लिक कर सकते हैं और हमारे आज की डेट में पिछली सारी पीडीएफ और आने वाली पीडीएफ भी मिलती रहेंगी अल्टीमेट कोर्स है मीन की प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है स्टडी नीति ऐप एंड स्टडी नीति वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा बहुत सारा फ्री कंटेंट वहां पर अवेलेबल रहता है कल की क्लास एडवांसेस ये सब हम कर चुके हैं। जैसा so जैसा आपको इसका इसका नाम नाम दिखाई दे रहा होगा, है आपका, यानी कि बैंक ने किसी चीज की गारंटी दी है यही मतलब हुआ सरल भाषा में अगर बात करूं तो बैंक ने किसी चीज की गारंटी दी है the, यहां पर बैंक गारंटी का मतलब अब यहाँ पर किसको गारंटी दी क्यों गारंटी दी ये हमारा मेन आता है इसमें मेन जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है देखिए यहाँ पर बैंक गारंटी के तरह तरह के टाइप्स होते हैं अलग अलग तरीके होते हैं बैंक गारंटी को जारी करने के बट आखिरकार बैंक गारंटी किन लोगों को जारी करता है बैंक अगर बैंक किसी पर्सन की गारंटी दे रहा है कि ये पर्सन अच्छा है ये पर्सन गुड है दिस पर्सन इज फाइन दिस पर्सन इज नाइस या फिर आप भी किसी पर्सन की गारंटी देते हो क्यों देते हो एक मार्केट में कहता है ना कि यार तुम मुझे सौ रुपए दे दे मैं इस बंदे की गारंटी लेता हूँ बात करता है ना इस बंदे बंद सौ रुपए दे 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 मैं इस बंदे की गारंटी देता तो तो वापस देगा दे तो वो पर्सन जिसने सौ रुपए दिए उस थर्ड पर्सन को तो वो थर्ड पर्सन को आपने रिकमेंड किया था कि इस पर्सन को आप सौ रुपए दे दीजिए मैं इसकी गारंटी लेता हूँ यानी कि आपको उस पर्सन की जिसको सौ रुपए दिए गए उसकी एक क्रेडिबिलिटी पता है आपको उसकी नेटवर्थ पता है आपको उसकी वैल्यू पता है आपको उसकी औकात पता है है ना यही हम बात करते हैं ना तो इसलिए आपने उसकी गारंटी दी तो सेम केस ऐसा बैंक के साथ होता है बैंक को भी अगर लगता है कि जो पर्सन जिसकी हमें गारंटी दे रहा हूं वो पर्सन अच्छा है उसकी पर्सन की क्रेडिबिलिटी अच्छी है उस पर्सन की जो आपकी नेटवर्थ है वैल्यू है औकात है वो अच्छी है तभी मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं राइट right. और ये औकाद ये क्रेडिबिलिटी ये आपकी बैंक की तरफ से जो एक गारंटी देने की बैंक की इच्छा होती है कि बैंक कहता है कि हाँ आई एम रेडी टू गिव दैंक टू गिव दरंटी ऑफ दिस पर्सन वो बैंक किस भी हाफ पे देता है किस भी हाफ पे देगा मान लीजिए मैं बैंक के पास जाता हूं और मैं कहता हूँ कि यार ये तीसरे बंदे को मेरी गारंटी देना बैंक क्या कहेगा किसी भी चलते फिरते किसी भी बैंक में जो आस पड़ोस में रहे है मेरा वहां पर कोई अकाउंट नहीं है कुछ भी नहीं है और मैं जाता हूँ इस थर्ड पर्सन को मेरी गारंटी देना इसको इस ताकि ये मुझे दस हजार रुपये तो मेरी गारंटी देगा नहीं देगा ऑब्वियस है क्योंकि बैंक आपको जानता ही नहीं है हाँ अगर आपका बैंक में बहुत बड़ा अकाउंट है अगर बैंक में आपने लोन ले रखा है बैंक में आपके एडवांस चल रहे हैं बहुत सारे आपके अच्छी नेटवर्थ है बैंक में आपका डिपॉजिट पड़ा है तो बैंक सोच सकता है आपको गारंटी देने के लिए कि बैंक कहता है हर क्रेडिबिलिटी अच्छी है बंगेगा एक करोड़ की एफ डी आर बंदे की पचास लाख की एफ डी आर बंदे की दस लाख की फिक्स डिपोजिट पड़ा एफडीआर से मतलब फिक्स डिपोजिट ठीक है फिक्स डिपोजिट रिसिप्ट एफडीआर ऑलरेडी पड़ चुके हैं हम तो इन केस में बैंक गारंटी दे देता है अब यहाँ पर ये तो देसी भाषा की आखिरकार बैंक गारंटी ऐसे दी जाती है अब बात करते हैं टेक्निकल भाषा की आखिरकार बैंक गारंटी कौन मांगता है किसको दी जाती है जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ या सबसे जो फेमस चीज या जो सबसे चर्चा में रहती है बैंक गारंटी वो होती है आपकी जो आपकी लाइक दी काफी एरियाज में म्युनसिपल काउंसिल होंगी म्युनसिपल कॉरपोरेशन होंगे काफी एरियाज में यू होंगी जो आपका रोड बनाने का रोड्स बनाने का पीडब्ल्यूडी जिसको हम कहते हैं होंगे ये सभी सभी लोग रोड कंस्ट्रक्शन का जो एक टेंडर देते रहते हैं रोड कंस्ट्रक्शन का टेंडर देते हैं ना बहुत सारे ऐसे आपके एरियाज में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो रोड कंस्ट्रक्शन का जो टेंडर है आपका ये किसको दिया जाता है जो ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अब ये जो रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है मान लीजिए एक पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने दिया जारी किया और इन्होंने कहा कि ये एक दस किलोमीटर की रोड है इसको बनाने के लिए हम आपको कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर रहे हैं दस किलोमीटर रोड जो कि आपकी अगले छ महीने में बन जाएगी और इसके इसकी जो छह महीने बनने के बाद इसकी हम क्वालिटी चेक करेंगे और ये रोड में किसी भी तरह के टूट फूट जो है वो नहीं होने चाहिए अगले तीन सालों के लिए मान लीजिए कहता तीन सालों के लिए इसकी कोई भी टूट-फूट नहीं होने, फोड़ नहीं चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए दस किलोमीटर की रोड छह महीने में जो बन जाएगी तैयार हो जाएगी और तीन सालों के लिए इसकी क्वालिटी रिड्यूस नहीं होनी चाहिए यानी किसी भी तरह की मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए ये किस तरह का टेंडर निकाला अब ये टेंडर एक पर्सन आया ए ये पर्सन आया एक ए ये पर्सन ने अप्लाई किया और इसको पीडब्ल्यूडी ने टेंडर अलॉट कर दिया बट पीडब्ल्यूडी कहता है पीडब्ल्यूडी कहता है कि आप तो 10 किलोमीटर की रोड निकाल कर 6 महीने में आप निकाल दोगे बना दोगे और उसके बाद आप तो निकल जाओगे आपको हम पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद का जो टेन्योर है उसका क्या मैंने तो आपको पेमेंट कर दी 6 महीने में तो उसका टेन, उसके बाद का क्या फा? है ना 2.5 साल क्या होगा PWD को पैसा वापस कैसे लेगा ऐसे एक को तो उसने 6 महीने बाद पेमेंट ही कर दी तो कैसे पैसा वापस लेगा अगर वो रोड टूट जाती है आठवें महीने टूट जाती है क्योंकि क्वालिटी किसी भी रोड की क्वालिटी इतनी अच्छे से चेक नहीं की जा सकती है ना ऑब्वियस है इंजीनियर्स होते हैं सब कुछ होते हैं बट उस लेवल पे नहीं किया जा सकती तो यानी कि एटलीस्ट कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो 3 साल तक चले और ए को बाध्य रखे ए को बाध्य रखे और तीन साल तक आपका ये ए को बाध्य रखे जब तक रोड का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है पूरा का पूरा वो समाप्त नहीं हो जाता कि अगर रोड टूटती है तो आपकी जिम्मेवारी होगी उस रोड को मरम्मत करने की ऑब्वियस है तो यहां पर इन्वॉल्वमेंट आती है एक ऐसी संस्था की एक ऐसी संस्था की जो कि कहलाती है आपकी बैंक जो कि कहलाती है आपकी बैंक इस में क्या होता है जो ए पर्सन है वो आपका जाता है अपने बैंक के पास जिसका वो कस्टमर है और बैंक को कहता है कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है उसमें मैंने एक टेंडर दिया और उसमें एक टेंडर देने के बाद उन्होंने कहा कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट तीन साल के लिए वैलिड रहेगा हम इसकी पेमेंट जरूर आपको सिक्स मंथ बाद कर देंगे जितनी भी आपने रोड बनाई है बट आप तीन साल तक बाध्य रहेंगे अगर रोड में किसी तरह की मरम्मत होती है तो पीडब्ल्यूडी को ये तीन साल तक अब देखो पैसे तो दे दिए बट पीडब्ल्यूडी को सिक्योरिटी क्या होगी कि वो पैसा वो मरम्मत कर देगा तो पीडब्ल्यूडी क्या कहता है पीडब्ल्यूडी कहता है कि ए को कि आप कोई ऐसी संस्था की कोई ऐसी बैंक की एक गारंटी लाकर दीजिए मुझे क्या लाकर दीजिए एक गारंटी लाकर दीजिए मुझे जिसके तहत मैं जिसके तहत मैं मुझे विश्वास हो जाए कि अगर अगले तीन सालों में किसी भी तरह के रोड में मरम्मत की गुंजाइश होगी तो वो आप पूरी करेंगे और अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो बैंक आपके बिहाफ पर मुझे उस पर्टिकुलर मरम्मत करने का जो खर्चा आएगा वो पे करेगा वो खर्चा मुझे पे करेगा जो गारंटी उस बैंक ने आपकी दी है वो गारंटी के बदले में मुझे अमाउंट पे करेगा ऐसी एक शर्त ऐसा एक गारंटी आप हमें लिखवा कर दीजिए बैंक से तो यहां पर ए पर्सन अप्रोच करता है बैंक को और ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता देता है और कहता है कि मुझे गारंटी दे दीजिए अब यहां पर बैंक क्या करता है बैंक एनालाइज करता है ए के बारे में बैंक ए के बारे में एनालाइज करता है क्या करता है कि क्या कस्टमर है हमारा कस्टमर कैसा है कस्टमर कितना पुराना है क्या क्या इसका डिपॉजिट पड़ा है हमारी ब्रांच में क्या क्या लोन्स एडवांसेस पड़े हैं और क्या ये सिक्योरिटी दे सकता है या नहीं दे सकता मान लीजिए एक लाख की बैंक गारंटी की बात की गई है यहाँ पर एक लाख की बैंक गारंटी की बात की गई है यानी कि पीडब्ल्यूडी ने कहा है हमें एक लाख की गारंटी चाहिए अगर एक लाख अगर छ अगर बीच में छह महीने बाद किसी बार टूट फूट होती है और ये पर्सन मना कर देता है तो बैंक हमें एक लाख रुपए पे करेगा

वो चीज भी हो सकती है तो बैंक के पास एक प्रकार की उसने सिक्योरिटी किसी भी तरह की दे दी और बैंक से उसने वो गारंटी बनवा ली और बैंक की जो गारंटी है उस पर पीडब्ल्यू ने अपनी मोहर लगाई और पीडब्ल्यू ने उसको ये कॉन्ट्रैक्ट असाइन किया जिसमें आपको उन्होंने छ महीने में रोड बना दी और अगले तीन सालों तक उसने वॉच रखा पीडब्ल्यू में अगर कोई मरम्मत हुई तो इसने कर दी ए ने कर दी अगर नहीं जरूरत हुई तो तीन साल जैसे ही खत्म होंगे तो ये बैंक गारंटी आपकी भी एक्सपायर हो जाएगी बैंक को तीन साल का टन और जो है वो वो हो जाएगा ओके okay, सो तो यहां पर कस्टमर अपने बैंक से अप्रोच किया और उसने गारंटी बनवाई तो ये जो बैंक गारंटी थी ये जो बैंक गारंटी थी जो मैंने अभी आप आपको बताई है इस बैंक गारंटी में क्या हुआ था इस बैंक गारंटी में छह महीने बाद क्या स्टार्ट हुआ छह महीने बाद स्टार्ट हुआ था किसी भी दरी? तोड़ फोड़ मरम्मत का यानी कि आप कह सकते हैं ना कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं बर्ड आता ना कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट में तो ये भी आप कह सकते हो कि वो सड़क कितना अच्छा परफॉर्म कर रही थी अगले तीन सालों तक जब तक उसका पीडब्ल्यू डी ने एक फिक्स रखा था तो यू कैन से द परफॉर्मेंस ऑफ द रोड इज देयर वेन एवर द परफॉर्मेंस इज रोड और वेन एवर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी थिंग विच इज बिल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इज देयर देन द गारंटी विच इज इशुड टू दैट डिपार्टमेंट ऑन द ऑफ दैट ए पर्सन बाय द बैंक इज नोन एज द परफॉर्मेंस बैंक गारंटी उस बैंक गारंटी को हम परफॉर्मेंस बैंक गारंटी कहते हैं अगर किसी भी तरह की परफॉर्मेंस की वहां पर बात की जाती है तो ठीक है अगर उसने परफॉर्मेंस नहीं किया अगर वो पर्सन परफॉर्मेंस नहीं करता अगर वो पर्सन बोल बोल देता कि आठ महीने बाद की मेरी कोई नहीं मैं सड़क मरम्मत करूंगा तो क्या होगा तो जो पीडब्ल्यू है वो बैंक के पास अप्रोच करेगा और बैंक को कहेगा कि ये पर्सन को आपने गारंटी दी थी और आपने कहा था कि अगर ये यहाँ पर पूरी नहीं करता अपना काम मरम्मत नहीं करता तो आप उसके बिहार पर एक लाख रुपए डिपार्टमेंट को पे करेंगे और बैंक क्या करेगा बैंक विल बी लाइबल टू पे दिस वन लाख रुपीज और बैंक आखिरकार वन लाख जब दे देगा तो बैंक रिकवर कैसे करेगा बैंक रिकवर करेगा जो भी उसने सिक्योरिटी उसको दी है जो भी सिक्योरिटी बैंक को दी गई है या फिर जो भी बैंक का उसके पास पड़ा है तो उससे आपका रिकवर कर लिया जाएगा ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटी ये पहला टाइप था बैंक गारंटी का दूसरा एक और टाइप आता है बैंक गारंटी का जिसमें हम देखते हैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं जब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ऑब्वियस छह महीने से छह महीने में जो रोड कंप्लीट हो रही है तो ऐसा तो है नहीं कि छह महीने बाद उसको पेमेंट करेगा एक वो डिपार्टमेंट आपका एडवांस में पेमेंट कर दे देगा मान लीजिए वो एडवांस में पेमेंट करता रहेगा ताकि वो सामान भी खरीद सके और आगे रोड को भी कंस्ट्रक्ट कर सके अब जो एडवांस में पेमेंट करी है जो छह महीने में अगर आप पेमेंट करी है डी ने और अगर ये बंदा बीच में सड़क छोड़ दे या फिर जो पैसे जितने दिए हैं उतना उसने सड़क बनाई नहीं है तो यहाँ पर पी डब्ल्यू डी एक एश्योरेंस लेता पीडब्ल्यू डी कहता है कि आपने जो सड़क पूरी नहीं कर पाए अगर पूरी नहीं की जो भी हमने पैसा दिया तो उसकी भी गारंटी ला के दीजिए और ये वही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा गारंटी के लिए वो बैंक में जाएगा बैंक उसको एक गारंटी बना के देगा और वो गारंटी आपकी दिखा दी जाएगी पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट को जिसमें बैंक लाइवल हो जाएगा अगर कोई भी एडवांस पेमेंट जो पीडब्ल्यू डी ने किया है आपका ए पर्सन को और उसने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया है सो so, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इन इस पर्टिकुलर गारंटी का जो बेसिक नेचर है वो है यहाँ पर पेमेंट इन्वॉल्वमेंट यहां पर पेमेंट इन्वॉल्व हुई यहां पर पैसा इन्वॉल्व हुआ यहां पर मनी इन्वॉल्व हुई ओके मनी इज देयर मनी जो एडवांस मनी उन्होंने पे की है पीडब्ल्यूडी uh, ने तो मनी इज देयर देन दैट इज आल्सो देयर दैट टर्म इज आल्सो कैन बी रिटर्न एज फाइनेंशियल थिंग्स ओके okay, फाइनेंशियल उसको लिखा जा सकता है सो दिस इज अ काइंड ऑफ द फाइनेंशियल बैंक गारंटी इसको हम कहते हैं इस टाइप के बैंक गारंटी को फाइनेंशियल बीजी

ब्रिज भी है इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत सारे काम है जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट एंड अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके कराते हैं और अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके टेंडर साइन करते हैं और टेंडर के नेचर के अकॉर्डिंग ही आपका फाइनेंशियल या फिर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी आती है एक तीसरी लास्ट बैंक गारंटी होती है जो कि कहलाती है डेफर्ड पेमेंट गारंटी ओके इसको कहते हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटी डेफर्ड पीजी डेफर्ड पेमेंट गारंटी ये किस लिए होती है ये दो पर्सन के बीच में होती है ए बी ए ने बी से ए ने बी से कोई चीज खरीदी मान लीजिए कोई भी आपने लैपटॉप खरीद लिया मान लीजिए मोबाइल खरीद लिया तो यहाँ पर ए ने बी से जब खरीदा तो बी ने ए को जो पेमेंट करनी A ने B से खरीदा सॉरी तो यहाँ पर बी से जब खरीदा गया तो ए बी पे, को पेमेंट करेगा ऑब्वियस ए बी को पेमेंट करेगा ना तो जब ए बी को पेमेंट आपका करेगा तो यहां पर क्या किया जाएगा यहाँ पर आपका आ, ए आपको उसको ऑप्शन देता है कि या तो मुझे वन शॉट में पेमेंट कर दो या फिर मुझे कुछ कुछ पैसा दे दो जब यहाँ पर ए और बी के बीच में टाइप होगा कि हाँ मुझे चार किस्तों में पांच किश्तों में पैसा दे दो और यहाँ पर बी को कहेगा कि मुझे पांच किश्तों में पैसा तो दे दो बट किसी सी परसेंट की गारंटी मुझे ला कर दो कि आप मुझे इन पांच किस्तों में पूरा पैसा दे दोगे जब ये टाइप की गारंटी सामने आती है तो दैट दिस वन इज नोन एज दिस टाइप ऑफ थिंग इज नोन एज दी और दिस टाइप ऑफ गारंटी इज नोन एज गारंटी मीन्स आपने जो पेमेंट करनी थी आपने ए को उसको डेफर किया गया काफी बार उसको डेफर किया गया यानी कि उसको पांच किस्तों में आपने दिया और इस तरह की गारंटी को आपका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहती है किसी थर्ड पर्सन की और उसको हम डेफर्ड पेमेंट गारंटी कहते हैं

ओके okay, और जिन लोगों ने ये हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है दिस वन द बैच आई वाज टॉकिंग अबाउट रिलेटेड टू पीडीएफ कोर्स ये आप एक बार ट्रस्ट करके जरूर ले सकते हैं आप ज्वाइन कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप डेफिनेटली यू फील कि हाँ यार दिस वाज द थिंग विच यू आर सर्चिंग फॉर ओके चलिए क्वेश्चन पूछिए मैं बताता हूँ आपको हुआ हाँ इसका पीडीएफ दूंगा ना अभी मैं अभी ये आपका ये लोन एडवांस का टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको एक साथ पीडीएफ इसके स्टडी नीति का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना उसमें आपको मिल जाएगा पीडीएफ ओके मानिक दास जी क्यों फालतू के ब... ऐसे बोले जा रहे हो तीन सौ रुपये किसने कहा है मिलेगा तीन सौ में किसने बोला है? मतलब आप ऐसे बोलते हो जैसे हम बेवकूफ बैठे फैटे और हम आपके कमेंट पढ़ेंगे नहीं मतलब इनको शौक होता है ना ब्लॉक होने का है ना और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दस पंद्रह आईडीज बना रखी होते और आईडीज ही बनाते रहते हैं अपने है ना कुछ भी बोलते हो ओके बैंक को प्रॉफिट क्या होगा हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है बैंक को प्रॉफिट क्या होगा जब बैंक आपका इसमें देखो बैंक को क्या होता है बैंक कोई भी इंटरेस्ट इसमें चार्ज नहीं करता बैंक गारंटी में हमें कमीशन मिलता है जब भी हम बैंक गारंटी इश्यू करते हैं तब हमें कमीशन मिलता है हर एक बैंक गारंटी के का ओके जितनी बैंक गारंटी मान लीजिए लाख की एक लाख की तो ढाई परसेंट कमीशन यानी कि बैंक ढाई परसेंट एक लाख का ढाई परसेंट ढाई हजार रुपए उसका एक साल के लिए उससे चार्ज करेगा एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल आप सोचोगे ढाई हजार रुपये एक लाख दे दिया उसको एक लाख में पैसा थोड़ी ना दिया मैंने मैंने तो इससे गारंटी दी है मैंने कोई पैसा तो दिया नहीं कि मेरे हाथ से पैसा चला गया मैंने सिर्फ एक कागज पे लिख के दिया कि गारंटी दी हुई ढाई हजार पे ढाई हज़ार रुपये और ये बहुत रेयर चांस होता है कि ऐसी बैंक गारंटीज आपकी यहाँ पर निरस्त हो जाते हैं जिसको हम उन बोलते हैं अगर बैंक गारंटी कोई डिमांड करता है ना कोई डिपार्टमेंट बैंक बैंक गारंटी की हाँ यार उस परसन गारंटी दी उसने परफॉर्मेंस नहीं की उसने यहाँ पर एडवांस पेमेंट लेके भाग गया तो आप हमें दो बैंक गारंटी का जो पैसा आपने गारंटी दी थी तो उसको हम कहते हैं इन

जब आपका कंप्लीट हो जाएगा जब आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा जब आपका घर खड़ा हो जाएगा मॉरेटोरियम पीरियड जब आपका खत्म हो जाएगा तब से आपका बैंक उसमें ईएमआई आपकी शुरू हो जाएगी इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो तो आपकी मर्जी है तो आपका जब भी डिमांड करना चाहे बैंक कर सकते हैं आपके और बैंक के ऊपर है मॉरेटोरियम में आप इंटरेस्ट सर्व कर सकते हो ठीक है बट इंटरेस्ट तो आपका अप्लाई होता रहेगा इंटरेस्ट तो आपका अप्लाई होता रहेगा मॉरेटोरियम के बाद आपको ई शुरू करनी है ओके okay.

मिलते हैं फिर आपको बैंक जो कमीशन लेता है वो किससे मिलता है बैंक को मिलता है ऑफिसर को क्या मिलेगा बैंक की इनकम है बैंक को जो आप लोन देते हो किसी कस्टमर को तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमें थोड़े ना मिलता है वो तो उसको मिलता है बैंक की इनकम है वो दैट इज नॉट दी इनकम ऑफ पर्सनल कोई पर्सनल किसी ऑफिसर की इनकम है गीतांजलि गुप्ता जी अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा ना इसका आंसर अभी आपको नहीं मिलेगा जब मैं एनपीए की क्लास बताऊंगा उसके बाद आपको खुद ब खुद उसका आंसर मिल जाएगा अभी क्लासेस हमारी पूरी हुई नहीं है ना ठीक है चलो टेक केयर बाय बाय एंड सी ओ गे कल की क्लास में मिलते हैं हम और उसमें हम करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट एक अच्छा टॉपिक रहेगा एंड सी ओ ओके बाय गुड नाइट